हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स में। तो आज हम हरे वाले चौलाई के साग बनाने जा रहे हैं, चौलाई की भाजी। ये 300 ग्राम चौलाई लिए हैं, इसको अच्छी तरह से साफ करके धो लिए हैं। अब हम इसको काट लेंगे फांसुल या चाकू की सहायता से, जिससे आपको सुविधा हो काटने में आप काट सकते हैं। हम यहाँ फांसुल से इस तरह से काट रहे हैं, इसको ज़्यादा बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप काट सकते हैं चौपली। अभी बरसात का मौसम है, चौलाई बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, लाल वाला, हरा वाला चौलाई मिलते हैं। अभी सीजन चल रहा है, ये बहुत हेल्दी होते हैं। चौलाई के साग ज़रूर खाना चाहिए फ्रेंड्स। सारे साग को हम काट लिए हैं, अब कुकर में डालेंगे। कुकर में एक सीटी लगा लेने से चौलाई का डंठल सॉफ्ट हो जाता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। नमक गलने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिए हैं। कुकर लगाकर हाई फ्लेम में दो सीटी लगने तक पका लिए हैं। इधर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई में दो चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। इससे चौलाई की साग में अच्छे टेस्ट आते हैं। चौलाई की भाजी में दो तीन रेड मिर्ची डालेंगे, भून लिए हैं। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल के भी 1 से 2 मिनट तक भून लिए हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक। इधर कुकर ठंडा हो गया है, ढक्कन हटाकर साग को चेक कर लेंगे। इस तरह से साग अच्छी तरह से पक गया है, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम उबाले हुए चौलाई के साग को डाल देंगे भाजी बनाने के लिए। चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे बिना ढके। पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा, एक्स्ट्रा जो पानी है चौलाई की भाजी में। इसमें हम कोई मसाला का यूज नहीं किए हैं, ये हरे पत्ते वाले चौलाई के साग ऐसे ही बनते हैं। सिर्फ लहसुन और मिर्ची और प्याज का तड़का लगाकर ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट एवं हेल्दी साग होता है। इसको ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। साग का अच्छी तरह से पानी सूख गया है, अब हम गैस को बंद कर दिए हैं। ये साग सर्व करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आए हैं साग में, देख सकते हैं आप कितने अच्छे चौलाई की भाजी बनकर तैयार हुआ है बिना कोई मसाला का। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। ओके बाय।